hello everyone i welcome you all in the seventh lecture on topic percentage uh, if you remember we have been discussing an important concept from this topic that is successive percentage change so today it is time to look at the applications of the same concept so that's the agenda let's start now after understanding the concept of successive percentage change it is time to see its applications so this rule is applicable in two situations first situation

and now let's quickly go to the second application whenever the product of two or more variables gives the overall effect in terms of third variable so the same rule is applicable whenever i find such a situation happening what situation the product of two or more than two variables gives the overall effect in terms of third variable in all such cases i can apply the concept of successive percentage change

और उसका डायरेक्ट चेंज कहां पे आ रहा है थर्ड वेरिएबल और हमारे लिए थर्ड वेरिएबल क्या है वो वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है पे तो जब भी ऐसा होगा, इस जब भी भी ऐसा ऐसा होगा होगा इस आई कैन अप्लाई ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा लाइकवाइज इफ आई इंक्रीज दी ब्रेथ व्हाट विल बी द इफेक्ट इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम बोलोगे सर अगर आप ब्रेथ इंक्रीज करोगे ना तो उससे भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज करेगा तो जब भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कौन सा साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और उन दोनों वेरिएबल्स का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है थर्ड वेरिएबल पे ऐसे सिचुएशंस में आई कैन अप्लाई द ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लाइकवाइज इफ यू लुक एट द अदर थ्री फॉर्मुला देयर आर मोर सच फॉर्मूला बट इफ यू लुक एट द अदर थ्री फॉर्मुला एरिया ऑफ स्क्वायर एक्सपेंडिचर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये तीन फॉर्मुला में भी सेम चीज हो रही है अगर मैं अगर मैं स्क्वायर में साइड का लेंथ बढ़ाऊंगा तो उससे एरिया इंक्रीज होगा तो कैसा इफेक्ट है अगेन डायरेक्ट इफेक्ट है तो जब भी ऐसे फॉर्मले होंगे जहां पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लीकेशन का साइन है और उनका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए वेरिएबल पे तो ऐसे सिचुएशंस में आई कैन अप्लाई द ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आई नो थिंग्स माइट नॉट बी वेरी क्लियर टू यू एट दिस पॉइंट एंड देयरफॉर

जो एक आर्टिकल खरीदती है जिसका प्राइस है ₹20 पर केजी तो प्राइस कितना है रुपीस ₹20 पर केजी और इस रेट पे लेट से ये जो फैमिली है वो 5 केजी का कंजम्पशन करती है अगर ऐसा है और मैं बोलूंगा कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा यू वुड से सर 100 लेट से इन द सबसीक्वेंट मंथ द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज़ इंक्रीज्ड द रेट इज़ इंक्रीज्ड जो चीज ₹20 पर केजी की मिल रही थी लेट्स से टुडे इट्स इट्स नाउ बीइंग सोल्ड एट ट्वेंटी से कितना हो गया प्राइस एंड लेट्स तो इस केस में एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या होगा यू वुड से ट्वेंटी मैंने यहां पे किया क्या मैंने यहां पे प्राइस को मैंने यहां पे प्राइस को इंक्रीज किया और प्राइस को इंक्रीज करने से अगर मैं तुमसे पूछूंगा एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा तुम बोलोगे सर एक्सपेंडिचर भी 100 से 125 हुआ यानी पूछूंगा कि में कितने का किया क्योंकि मैंने प्राइस को इंक्रीज किया है so तुम 20 था, और नेक्स्ट मंथ ये ट्वेंटी फाइव हो गया तो प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ यू वुड से सर प्राइस इज इंक्रीज बाय फाइव कौन सा प्राइस फाइव से इंक्रीज हुआ तुम बोलोगे इनिशियल प्राइस ट्वेंटी एंड वेन यू सॉल्व दिस इट इज सिंप्लीफाईज बाई फोर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यू वुड से सर ट्वेंटी तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि प्राइस को हमने परसेंटेज में कितने से इंक्रीज किया ट्वेंटी फाइव परसेंट से तो so अगर प्राइस को ट्वेंटी फाइव परसेंट से इंक्रीज किया तो so, एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट नाउ इनिशियल एक्सपेंडिचर था कितना हंड्रेड और प्राइस के इंक्रीज होने से नया एक्सपेंडिचर हो कितना गया वन यू वुड से ट्वेंटी फाइव विच एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय ट्वेंटी इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड देन टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एंड देयर फोर परसेंटेज इंक्रीज इट्स गोइंग टू बी 25% तो so, एक्सपेंडिचर में भी कितने का इंक्रीज हुआ 25% का ही हुआ तो so, हमने अभी तक क्या समझा कि प्राइस को 25% से इंक्रीज किया तो so, इसका इफेक्ट एक्सपेंडिचर में क्या आया कि एक्सपेंडिचर भी 25% से ही इंक्रीज हुआ तो समझना राइट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे कितने वन एंड 2 इन दो में से कितने वेरिएबल्स पे मैंने चेंज किया तुम बोलोगे सर बस आपने प्राइस में चेंज किया अगर मैं क्वांटिटी को देखता हूं तो क्वांटिटी पहले भी फाइव थी और अभी भी फाइव है इफ आई आस्क यू यू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्वांटिटी वुड से सर हैज नॉट एट ऑल और इसीलिए क्योंकि चेंज एक बार हो रहा है मीन्स एक वेरिएबल पे हो रहा है इसीलिए उसका डायरेक्ट इफेक्ट एक्सपेंडिचर पे एक बार पड़ रहा है तो अगर मैंने प्राइस बढ़ाया 25 परसेंट से तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा एक्सपेंडिचर भी 25 परसेंट से ही इंक्रीज हुआ

राइट right? और इस बार मैं प्राइस को बढ़ाने के साथ साथ दूसरे वेरिएबल को भी इंक्रीज करके देखते हैं से अब जो मेरा क्वांटिटी है पहले मैं फाइव के कंज्यूम करता था और अब मैं सिक्स के कंज्यूम कर रहा हूं ठीक है तो इस बार मैंने कितने वेरिएबल्स को चेंज किया राइट हैंड साइड में कितने वेरिएबल्स को चेंज किया तुम बोलोगे प्राइस को भी चेंज किया क्वांटिटी को भी चेंज किया तो मैंने दो वेरिएबल्स में चेंज किया है और दोनों वेरिएबल्स को क्या किया है इंक्रीज किया है लेट्राइ टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन दू वेबल्स तो प्राइस को कितने परसेंट से इंक्रीज किया अब यह तो कैलकुलशन पहले ही किया हुआ है ट्वेंटी से ट्वेंटी करने का मतलब क्या है कि मैंने ट्वेंटी था ट्वेंटी फाइव हो गया तो परसेंटेज के डाउंस में कितना है ट्वेंटी लेट मी राइट डाउन प्राइज इज इंक्रीज बाई ट्वेंटीटी कॉन्स्टेंट अन जहां पे मैंने क्वांटिटी को सेम रखा था इस बार मैंने क्या किया है इस बार मैंने क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर दिया तो so, देखते हैं अब क्या इफेक्ट होगा क्वांटिटी कितने से इंक्रीज हुई लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इनिशियल क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी इज सिक्स तो कितने का इंक्रीज हुआ क्वांटिटी में वन विच क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी एंड वट इज वन बाई फाइव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यू वुड से सर तो क्वांटिटी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज हुआ तो अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर राइट हैंड साइड के दोनों ही वेरिएबल्स को मैं चेंज करता हूं तो एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट पड़ता है कितने परसेंट का चेंज आएगा इज यू वुड से सर इट इज वन फिफ्टी सो इट इज ट्राई टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर नाउ तो एक्सपेंडिचर था कितना यू वुड से सर हंड्रेड और हंड्रेड से हो कितना गया वन फिफ्टी कितने का इंक्रीज हुआ फिफ्टी का इंक्रीज हुआ 50 से कौन सा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 100 एंड देन विल मल्टीप्लाई बाय 100 और तुम्हारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना आएगा परसेंटेज के टर्म्स में 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट इंक्रीज प्लीज फोकस इन दीज वैल्यूज प्राइस को चेंज किया था ट्वेंटी क्वांटिटी को इंक्रीज किया था ट्वेंटी परसेंट से एंड बिकॉज ऑफ दिस आई बिलीव यू मस्ट हमने प्राइस को 25 से चेंज किया था

ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी का अगर तुम सक्सेसिव इफेक्ट देखोगे तो वो फिफ्टी परसेंट होगा एंड जस्ट टू कंफर्म दिस लेट मी अप्लाई द ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इज द फॉर्मुला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू सी अब एक कंफ्यूजन और होता है कि सर फॉर्मुले में जो ए एंड बी है वो इस सेटअप में क्या होगा तो जो भी वेरिएबल्स प्रोडक्ट में लिखे होते हैं जो भी वेरिएबल्स प्रोडक्ट में लिखे होते हैं वो ए और बी की वैल्यूज होती हैं प्रोडक्ट में कौन से दो वेरिएबल्स लिखे हैं तुम बोलोगे प्राइस एंड क्वांटिटी तो इनमें जो चेंज आया दैट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी प्राइस में कितने का चेंज आया ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ए का वैल्यू हुआ प्लस ट्वेंटी फाइव क्योंकि इंक्रीज किया फॉलोड बाय क्वांटिटी को कितना इंक्रीज किया ट्वेंटी परसेंट तो बी का वैल्यू क्या हो गया प्लस ट्वेंटी और इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट तुमको कहां मिलेगा थर्ड वेरिएबल पे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड वेरिएबल क्या है सी तो so, जो आंसर यहां पे आया वो इस फॉर्मूले में कहां पे आएगा इस जगह पे आएगा ठीक है सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट चेंज इन एक्सपेंडिचर इफ प्राइस एंड क्वांटिटी आर इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली सो लेट्स प्लग इन वैल्यू नाउ Plus 25 plus 20 plus 25 into 20 upon 100 equals to C. 25 plus 20 is 45. 25, 5, 5, uh, 25, sorry, 25, 4 and 4, 5. This would be 45 plus 5. That would be equals to 50. Since no sign is mentioned, 50 percent. Since everything was in terms of percentage, so what is the final change? What is the successive effect of 25 and 20 percent? You would say, sir, an increase of 50 percent. So I am getting the value of C as increase of 50 percent. Or is setup, mein C is expenditure. Expenditure is increased by 50 percent. Now after listening to the solution, some of you must be thinking, sir, to apply successive percentage change, we have learned one more method, that is multiplication factor. So can I apply the

तुम बोलोगे सर अगर एक नंबर को 25 परसेंट से बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 125 अपॉन 100 into, को कितने से से कर कर रहे है? 20 से कर रहे हैं हैं so, 20 इफ़ आई लर्न इन द लास्ट लेक्चर राइट दिस ट्वेंटी जीरो गेट कैंसल टू सिक्स एंड टू फाइव

With using the second approach as well. So I hope with this example you are able to understand how can I apply the concept of successive percentage change in a formula where the product of two or more than two variables gives the effect in terms of third variable. Don't worry, we'll solve more questions based on the second application. Uh, so with this we have come to an end of this lecture. I hope things were easy to follow. If not, please use comment box to ask your queries. Uh, thank you and have a nice day.